हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डीमैट अकाउंट क्या है और डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं या शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने डीमैट अकाउंट का नाम जरूर सुना होगा। कई बार निगेटिव वजहों से भी शेयर मार्केट चर्चा में रहा है, जैसा कि शेयर घोटाले की वजह से, जिसमें आरोपी हर्षद मेहता को सजा हुई थी। एक वक्त था जब शेयर्स के लेन देन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, कागजी कार्रवाई भी लंबी होती थी और उसमें समय भी ज़्यादा लगता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया डिजिटाइज होने के बाद शेयर्स की खरीद बिक्री, इन्हें स्टोर करना आसान हो गया है। यह संभव हुआ है डीमैट अकाउंट के जरिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डीमैट अकाउंट आखिर है क्या? यदि नहीं जानते हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट क्या है, इस अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि डीमैट अकाउंट क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि यह एक अकाउंट है, यानी कि एक खाता है। डीमैट शब्द डीमैटेरियलाइज से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ अभौतिक होता है, यानी कि नॉन फिजिकल, जिसका कि वास्तविक रूप नहीं होता है। यानी यह एक अभौतिक खाता है। जिस तरह बैंक अकाउंट में आप पैसे रखते हैं, उसी तरह से डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स रखते हैं। जिस तरह हम अपने बैंक अकाउंट के जरिए लेन देन कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम अपने डीमैट खाते के जरिए शेयर्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि डीमैट अकाउंट्स में शेयर्स को डिजिटली यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली रखने की सुविधा होती है। इनके चोरी होने खोने का भय भी नहीं रहता है। दोस्तों, डीमैट अकाउंट से काम बेहद सुविधाजनक हो गया है। इसके पहले यह प्रक्रिया मुश्किलों भरी थी। जब कोई शेयर्स खरीदे जाते थे तो कंपनी उन शेयर्स से जुड़े कागजात भेजा करती थी, जो इस बात का प्रूफ था कि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल थी, जिसकी वजह से लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करने से बचते थे। लेकिन डीमैट अकाउंट के बाद से शेयर्स खरीदने बेचने की प्रक्रिया आसान हो गई है। जैसे कि आप शेयर खरीदते हैं, वह कुछ समय बाद आपके डीमैट खाते में शो करने लगते हैं, और इसी तरह जब आप शेयर्स बेचते हैं तो आपका पैसा कुछ ही समय में आपके अकाउंट में आ जाता है। कुछ समय पहले तक यह काम कंप्यूटर्स के जरिए हो रहा था, लेकिन जब से एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स आए हैं तब से मोबाइल फ़ोन्स के जरिए भी डीमैट अकाउंट को संचालित किया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह आपको अपने सामान्य अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपको अपने डीमैट अकाउंट को संचालित करने के लिए भी एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपको इसमें ट्रांजेक्शन के लिए भी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अपने देश में डीमैट अकाउंट की देखरेख का जिम्मा जिन संस्थाओं पर हैं, वह दो संस्थाएं हैं, NSDL और CSDL। NSDL की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जबकि CSDL का फुल फॉर्म है सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। हमारे देश में ज़्यादातर बैंक इनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि DP की तरह काम करते हैं। इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में इन्हें एजेंट भी पुकारा जाता है। यह एजेंट बैंक और संस्थाएं डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा शेयर्स में इन्वेस्ट करने वालों को देती हैं। इनमें ऑनलाइन ट्रेडिंग, ब्रोकरेज और शेयर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जैसे कि ज़ीरोधा, शेयर खान, मोतीलाल ओसवाल वगैरह वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि साधारणतया एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए चाहिए, यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ, आपका ID प्रूफ, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और आपका पैन कार्ड। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि बगैर आपके पैन कार्ड के आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुल सकता है। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। आपके पास एक कैंसिल चेक या सेविंग बैंक पासबुक भी होनी चाहिए। दोस्तों, आप डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए ID प्रूफ के तौर पर आप अपना पैन कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल या कोई और ID कार्ड जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है उसे दे सकते हैं। आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपना राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से जारी कोई एड्रेस प्रूफ
जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो आप उसे जमा कर सकते हैं। इनमें से कोई एक आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के वक्त तो फ़ी चुकानी ही पड़ती है, इसके अलावा अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक सालाना फ़ी भी देनी होती है। इसके अलावा आपको शेयर्स से जुड़े ट्रांजैक्शंस के लिए भी एक फ़ी चुकानी पड़ती है। कई बार यह शेयर्स की संख्या पर निर्धारित होती है, फ़ी हर ट्रांजैक्शन पर लगती है। यह अलग बात है कि इन दिनों कई बैंकें बहुत कम फ़ी लेकर या शून्य फ़ी पर भी डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो किसी भी डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टनरशिप बैंक के साथ खोल सकते हैं। इन दिनों कई निजी बैंकें भी जीरो फी पर डीमैट अकाउंट ओपन करने की सुविधा दे रहे हैं। आप चाहें तो इन बैंकों की ओर से दी जा रही ऑनलाइन सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित बैंक की वेबसाइट पर जाकर ओपन योर डीमैट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और सिटी इत्यादि डिटेल भरनी होगी। इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड भरने को कहा जाएगा। इसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको डिपॉजिटरी पार्टनरशिप बैंक की ओर से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। इतना करने के बाद आपका इन पर्सन वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके लिए आपका डीपी यानी कि बैंक की ओर से आपको कॉल करके पूछा जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको आपका अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी मुहैया करा दी जाएगी। इसके बाद आप अपने डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर्स में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट इत्यादि शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, कई बैंकें और शेयर्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की सुविधा देने वाली कंपनियाँ डीमैट अकाउंट खोलने पर 3-in-1 अकाउंट की भी सुविधा देते हैं, जैसे कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट के जरिए जहां पैसों का लेन देन होता है, वहीं शेयर्स, सिक्योरिटीज़, डिबेंचर आदि फंड से जुड़े ट्रेड के लिए ट्रेड और शेयर्स स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कई डिपॉजिटरी पार्टनर्स इंट्राडे ट्रेडिंग की भी सुविधा देते हैं, यानी कि विशेष दिन में होने वाली ट्रांजेक्शन के लिए कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता है। कई जगहों पर करीब 1,000 रुपये प्लस टैक्स पर सालाना रिकरिंग फी पर भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यह सुविधा कस्टमर्स को मुहैया कराते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है। ऐसे में इनके खोने या चोरी होने की आशंका एकदम खत्म हो जाती है। इसके साथ ही शेयर्स संबंधित कागजों में धोखाधड़ी की आशंका नहीं रह जाती है, क्योंकि दस्तावेजों को रखने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। कि ऐसा न होने पर शेयर्स से जुड़े कागजात की स्थिति में धोखाधड़ी की आशंका रहती है। इसके अलावा कई बार यह भी होता है कि आप पेपर कहीं रखकर भूल जाते हैं या उनके खोने की आशंका रहती है। डीमैट अकाउंट होने से यह चिंता दूर हो जाती है। शेयर्स उसमें एक जगह सुरक्षित रहते हैं। एक बड़ा लाभ यह भी है कि समय बीतने के साथ साथ कागज तो नष्ट हो जाता है, जबकि डीमैट अकाउंट के जरिए ट्रांजेक्शन का परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, सर्टिफिकेट भी साथ रहते हैं। दोस्तों, एक और सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे शेयर ट्रेडिंग में बहुत सुविधा हो गई है। इस प्रक्रिया में अब बहुत ही कम समय लगता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग पर निगाह बनाए रखना भी बेहद आसान है और शेयर मार्केट ट्रेंड से अपडेट रहना भी। साथ ही शेयर्स को बेचने, खरीदने और त्वरित निर्णय लेना भी आसान हो गया है। पहले इस प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता था। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार ही ये डीमैट अकाउंट खोले जाते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन अकाउंट्स पर NSDL और CSDL की नज़र रहती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डीमैट अकाउंट के केवल लाभ ही लाभ हैं, इसका कोई नुकसान या दिक्कत नहीं है। इसके भी कई अपने नुकसान हैं। सबसे बड़ा तो यही नुकसान है कि आपको सालाना फ़ी चुकानी पड़ती है, चाहे आपके डीमैट अकाउंट में कोई शेयर हो या ना हो, या केवल एक ही शेयर क्यों ना हो। ऐसे में कई बार होता है कि आपको शेयर की वैल्यू से भी ज़्यादा अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी चुकानी पड़ जाती है। इसके अलावा आपके ब्रोकर के काम पर लगातार नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं वह बेजा ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा यदि आपने कभी कंप्यूटर या मोबाइल पर बहुत वर्क नहीं किया है तो आपको मुश्किल आएगी। इसके लिए भी आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों, डीमैट अकाउंट से जुड़ी इस जानकारी से अब तक आप निश्चित रूप से यह तो समझ ही गए होंगे कि यदि आप भी शेयर्स में डील करना चाहते हैं या शेयर्स की खरीद बिक्री से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट बनाना ही होगा। आप अपने इस डीमैट अकाउंट में कितने शेयर्स रखना चाहते हैं, इसका फैसला आपको खुद करना होगा, क्योंकि इस अकाउंट में
मैक्सिमम शेयर्स कितने रखे जा सकते हैं इसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में आप अपनी जेब और सुविधा के हिसाब से शेयर्स स्टोर कर सकते हैं और बेहतर वैल्यू दिखने पर बेच सकते हैं, अपनी कमाई कर सकते हैं, और यदि सीधे शब्दों में कहें तो आप घर बैठे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब लोग किसी भी कंपनी का पोर्टफोलियो देखकर ही उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस नज़र में रखते हैं और फ्यूचर पोटेंशियल जांचते हैं। इतना ही नहीं, वह किसी अच्छे फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करते हैं ताकि रिस्क कम से कम हो और वह अधिक गेन अधिक से अधिक कर सकें। लेकिन आपको बता दें कि आज भी अपने देश में बहुत सी संख्या उन लोगों की है जो अभी भी शेयर मार्केट और इसकी वोकैबुलरी से दूर की दुनिया में रह रहे हैं। शेयर, डिबेंचर, इक्विटी, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, डीमैट अकाउंट जैसे शब्द अभी तक उन्होंने दूसरे के मुंह से ही सुने हैं। वह खुद अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। कई ऐसे हैं जो इन्हें केवल शेयर ब्रोकर्स की दुनिया की टर्म्स मानते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में ज़रूरत है कि हर कोई, चाहे वह छोटी बचत करता हो या फिर बड़ी बचत करता हो, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करे जो भविष्य में उसके काम आ सके। समझदारी से इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसा कम से कम डूबेगा नहीं। इसके लिए ज़रूरत है कि वित्तीय रूप से आप साक्षर बने। अपनी धनराशि का समझबूझ दिखाते हुए किसी वित्तीय सलाहकार यानी कि फिनेंशियल एडवाइज़र की मदद से बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करें ताकि अच्छी कमाई के साथ बेहतर भविष्य भी बना सकें। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को डीमैट अकाउंट के बारे में लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, डीमैट अकाउंट क्या है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि शेयर मार्केट में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला अकाउंट ही डीमैट अकाउंट कहलाता है। इस डीमैट अकाउंट में हम अपने शेयर्स को रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या SBI बैंक में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जी हां, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो आप SBI बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या डीमैट अकाउंट किसी भी बैंक में खोले जा सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जी हां, डीमैट अकाउंट को आप किसी भी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ओपन कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली बिल जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पांचवा प्रश्न है, डीमैट अकाउंट कितने दिन में खुल जाता है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि डीमैट अकाउंट ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट पर जाकर ओपन करा सकते हैं। यह अकाउंट 10 से 15 दिन के बीच ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यह तो था डीमैट अकाउंट के बारे में डिटेल जो आप जानना चाहते थे। हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जैसे जैसे वित्तीय साक्षरता में इजाफा हुआ है, वैसे वैसे लोग शेयर मार्केट ट्रेडिंग को लेकर जागरूक हुए हैं, लिहाजा डीमैट अकाउंट रखने वाले लोगों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। अब शेयर मार्केट को लेकर उनकी सोच भी बदली है, जिसमें लोग इस बाज़ार की अनिश्चितताओं को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हिचकते थे, इसमें रिस्क महसूस करते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सभी बातों को मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।